नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। इसके पहले मैंने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर वीडियो बनाया था। जैसे वो वीडियो मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी चार पॉइंट में डिवाइड होता है। एक है आपका कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ अप्राइजल, कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेल्योर, कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल फेल्योर। तो इसके पहले मैंने कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। अभी आज का जो पॉइंट है उसमें क्या देखना है, कॉस्ट ऑफ अप्राइजल देखना है। जैसे मैंने प्रिवेंशन में बताया था कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन आप बढ़ाओगे तो आपका जो फेल्योर कॉस्ट है और अप्राइजल कॉस्ट क्या हो जाए, अपने आप कम हो जाएगा, वो मैंने आपको बताया था। तो यही कंसेप्ट को लेके आगे चलते हैं। इसमें पहले डेफिनेशन देख लेते हैं और उसमें क्या क्या इंक्लूड है वो भी देख लेते हैं। कि आपका डेफिनेशन कुछ इस तरह से, कॉस्ट एसोसिएटेड विद मेजरिंग, इवैल्यूएटिंग और ऑडिटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स एंड परचेस्ड मटेरियल फॉर कंफर्मिंग वेदर दे आर देयर अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस। दिस इज द वन डेफिनेशन। अनदर वॉज सिंपल इज डेफिनेशन इज देयर, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद इवैल्यूएटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड सेग्रीगेटिंग ऑफ नॉन कन्फर्मिंग पार्ट्स, दैट कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ अप्राइजल। And in cost of appraisal, what includes? First is your incoming test and inspection. अभी क्या होता है कि आपकी कंपनी में कंसिडर कर लो एक जॉब आया है, उसका साइज़ क्या चाहिए था आपको, डायमीटर उसका 50 mm चाहिए था और उसका हार्डनेस आपको 50 HRC चाहिए था। तो आपने क्या किया, जब रिसीविंग इंस्पेक्शन में उसका डायमीटर चेक किया तो वो जो कॉस्ट जाएगा उसका क्या होगा, वो कॉस्ट ऑफ अप्राइजल में जाएगा। फिर उसके बाद लेबोरेटरी टेस्टिंग, अभी आपको उसका हार्डनेस चेक करना है या उसका मटेरियल फॉर्म चेक करना है, मटेरियल प्रॉपर्टीज चेक करने है, तो वो जो कॉस्ट जाएगा वो किस में जाएगा, आपके कॉस्ट ऑफ अप्राइजल में जाएगा। उसके बाद इंस्पेक्शन एंड टेस्ट, अभी ये जो आपने कंपनी में टेस्ट का सेटअप बनाया है तो उसका जो कॉस्ट रहेगा वो कॉस्ट ऑफ अप्राइजल में। चेकिंग लेबर, अभी ये जो रिसीविंग इंस्पेक्शन या इनलाइन इंस्पेक्शन करने के लिए जो ऑपरेटर आपको लगेंगे उनका जो सैलरी रहेगा वो कॉस्ट ऑफ अप्राइजल में जाता है। फिर सेटअप फॉर इंस्पेक्शन, अभी इनकमिंग रिसीविंग इंस्पेक्शन या रहेगा या लैबोरेटरी मटेरियल आपका मेटलर्जी लैब रहेगा जिसमें आप सब उसका मटेरियल का प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हो, उसका जो पूरा सेटअप का कॉस्ट रहेगा वो आपका कॉस्ट ऑफ अप्राइजल में जाएगा। उसके बाद मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ इंस्पेक्शन इक्विपमेंट्स, अपने जितने भी टेस्ट इक्विपमेंट्स या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको ऐसे नहीं है एक बार खरीद लिया खत्म हो गया, आपको क्या करना पड़ता है, उनका मेंटेनेंस करना पड़ता है, साथ ही साथ उनका कैलिब्रेशन भी करना पड़ता है ताकि उनका वो सही सही रिजल्ट आपको दे, वो जो कॉस्ट रहेगा वो उसका आपका इसके हेड के अंडर जाएगा। फिर क्वालिटी ऑडिट्स, आपको आपके कंपनी के क्वालिटी पॉलिसी के हिसाब से 3 महीने में 6 महीने में आपको क्या करना पड़ता है, क्वालिटी ऑडिट करना पड़ता है एक्सटर्नल कंपनी से, किसी बाहर एक्सटर्नल एजेंसी से, नहीं तो फिर इंटरनल एजेंसी से। फिर वो जो कॉस्ट जाएगा आपका वो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ अप्राइजल में जाता है। फिर उसके बाद और एक पॉइंट है इसमें कि आपका अपने जो टेस्ट लिए है या आपके पास जो कुछ डाटा है उसको आपको रिव्यू करना पड़ता है, वो जो रहेगा वो भी कॉस्ट ऑफ अप्राइजल में जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि अगर कमेंट से मुझे पता चलेगा कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम है या कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस है या नहीं। थैंक यू।